आवतीकाले शहर में हिंदी भाषा दिवस की उजवणी उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय कक्षाना राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा उपस्थित रहेशे। सूरतना अठवालाइन स्थित सर्किट हाउस खाते पत्रकार परिषद ने संबोधता केन्द्रीय राज्यकक्षाना गृहमंत्री अजय कुमार मिश्राए जणाव्युं हतुं के अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन अने हिंदी भाषानुं आवतीकाले आयोजन करवामां आव्युं छे। बे दिवस सुधी आ सम्मेलन चालवानुं छे, साथे हिंदी दिवस तरीकेनी पण उजवणी करवामां आवनार छे, जेमां बे दिवस अलग अलग सत्र चालवाना छे, जेनुं 15 सप्टेम्बरना रोज समापन थवानुं छे। अपनी भाषा ने विकृत रूप आपवानो प्रयास थई रह्यो छे। कांग्रेसना समय में हमेशा अंग्रेजी भाषा ने प्रोत्साहन आपवामां आव्युं, भारतीय भाषाओनुं सन्मान थवुं जोईए। अंग्रेजोए भारत में अंग्रेजी भाषाना बीज रोप्या, हिंदी ने राष्ट्रभाषा नहीं परंतु राजभाषानो दरज्जो आपवो जोईए। अंग्रेजी भाषा ने प्रमुख भाषा तरीके उपयोग शुरू करायो। राजनैतिक दळोना कारणे आपणे आपणा देश में राष्ट्रभाषा माटे संघर्ष करवो पड्यो। आपणी भाषा माटे आपणा देश में आजे आपणे संघर्ष करी रह्या छे, परंतु छेल्ला केटलाक वर्षोथी आमां सुधार आव्यो छे। प्रधानमंत्री अने गृहमंत्रीए भाषाना सन्मान माटे कार्य कर्युं छे। 17 કરોડથી વધુ લોકો દેશમાં હિન્દી ભાષા બોલી રહ્યા છે। દેશના 100 જેટલા દેશો છે જ્યાં હિન્દી બોલવામાં આવે છે અને સમજવામાં આવે છે। નિરંતર સભી વાતો પર ચિંતન કરી રહી હતી। ગાંધીજી લગાતાર ઇસ બાત પર જોર દે રહે થે કે હિન્દી કો રાજભાષા ઓર રાષ્ટ્રભાષા કે રૂપ મે સ્વીકૃત કિયા જાય ઓર સારા કામકાજ હિન્દી મે હી હો ઓર પૂરી દુનિયા કે દેશો ને ભી ઇસ તરહ કી સંકલ્પના કર લી થી। દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ કે બાદ હી जब हमारी दुनिया पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन अपना कर रही थी, सारी बातों को बना रही थी, उस दौरान दुनिया के अनेक देशों ने हिंदी पढ़ाए जाने के लिए अपने विश्वविद्यालयों में कोर्स भी शुरू कर दिए थे। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से जो उस समय सरकारें थीं, खासकर जो कांग्रेस राजनीतिक दल था, जो शुरुआत से ही अंग्रेजी को हमेशा बढ़ावा देता रहा था, उस दृष्टि से संविधान सभा में भी लगातार इस तरह से विचार विमर्श होता, जबकि गांधी जी की बहुत इच्छा थी उस पर विचार हो, लेकिन उनके अनुयायी भी उनकी बातों को टालते हुए ऐसी स्थिति में गए कि अंतिम में इस पर विचार करेंगे। और 12 सितंबर 1949 को इस पर विचार प्रारंभ हुआ, जो 14 सितंबर 1949 तक 3 दिन तक हुआ। उसमें विभिन्न विषय आए, लोगों ने इस बात को भी कई बार चर्चाओं में रखा कि हमारे किसी भी प्रदेश की भाषा अंग्रेजी नहीं है, इसलिए अंग्रेजी को हमको हटाना चाहिए, हमको भारतीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने 1860 की शिक्षा नीति के द्वारा जो बीज हमारे यहाँ बो दिया था कि हमारी भाषाओं के बीच में ही भेदभाव उन्होंने पैदा करने का काम किया, जिसके कारण अंग्रेजी आज़ादी के बाद भी कांग्रेस की कारण, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण इस देश की प्रमुख भाषा बनी रही। और उन्होंने संविधान में ये प्रावधान कर दिया कि अगले 15 वर्षों तक, जब ये संविधान लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उन्होंने एक तरह से 26 जनवरी 1965 तक के लिए ये प्रावधान उसी समय तय कर दिया जिस दिन हमने हिंदी दिवस, जैसे 14 सितंबर को हम मना रहे हैं, तो 14, जैसे मैंने कहा, 12 से 14 सितंबर तक हम लोगों का संविधान में चर्चा हुआ था और 14 को यह तय हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा।